ये कहता मैंने आपके किससे तो सुने कि आप 12 घंटे में मनाली पहुंच जाते हो, बट मेरे को यकीन नहीं है। आज गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पंप पे रुकती है और मूतने के लिए नहीं रुकती। तेरा दुबई से गाड़ी ला सकता 6 महीने के लिए, बस अब शिपिंग वाले का देखना वो कितने पैसे लेंगे। बॉडी बनानी पड़ेगी, अब अगर मैंने बॉडी नहीं बनाई ना तो तुम व्लॉग देखना बंद कर देना। वैसे भी मैं पतला हो चुका हूँ, बहुत लोगों ने फोटोज में देखा होगा कि मैं पतला हो गया हूँ। पहले पता नहीं किसके लिए बताता था, बट अब मेंटेन हो गया बस। वो मेरे हिसाब से खाने की वजह से ही होता है सब कुछ, जिम जाने से कुछ भी नहीं होता। जैसे मेरे को अभी पिछले एक महीने से भूख भूख नहीं लग रही थी, तो मैं कुछ खा ही नहीं रहा था। मैं एक रोटी खाता था, मीठा वीठा तो मैं वैसे ही नहीं खाता, गंद भी नहीं खा रहा था, दारू भी नहीं। मतलब दारू तो वो तो शादियों में पिया है, अभी हमने वहाँ पे भी जाके ज्यादा नहीं पिया, मतलब एकदम तभी आई थिंक वो हो गया दो मदा। आज बस मनाली निकलना पड़ेगा क्योंकि मुझे दो शूट करने हैं। हम आ गए हैं खाड़े वाले जिम, आज लेग्स करते हैं बढ़िया। वैसे बहुत बातें करनी है, वो यार बंद हो गया, ये जल्दी बंद हो जाता है बस, इसका यही होता है चक्कर। जैसे दुबई में तो ये होता था कि मैं कितने भी बजे जा सकता हूँ, पूरा टाइम खुला रहता है, ये पूरा टाइम खुला नहीं रहता, तो देख दुख के जाना पड़ता है। चलो बुबू। ओ भाई आज भी 6 हो गए। ओ भाई अबे वो खाने जाता है मेरे लिए सुबह सुबह तो ज्यादा चालू। अब आप जल्दी उठ के चले जाओगे तो फिर मेरा क्या। अबे मैं अपने स्टेप दिखाऊं। उठ के किसने बोला कि अपना सीरियल देखना। हार्ट अटैक दिखाओ ना। सीरियल नहीं, रात को मिस हो गया था। क्या रात को थोड़ा सा बच गया था तभी। नन्ने क्या कर रहे हैं? नन्ने ओए नंदी को कान वाली बहुत दिला दो ना। किदा क्या कर रहे हो? चले मनाली? नथिंग नथिंग इज कमिंग। मैंने भी मम्मी पापा को यूरोप लेके जा रहे हैं ना, चलना है? हाँ चलना है। बिल्कुल ठीक है। नहीं चलना है आपने? चलना है। चलिए चलिए। वीजा कौन लगाएगा? Since the time I have visited Dubai, I have found that there is no need to visit any other country. अरे दुबई से भी अच्छा है। Is there hello? Is there any difference between Dubai and Europe? Yes, there is. जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान। हाँ, वो गर्मी वाली जगह है, वहाँ पे आपको सब मिलेगा। वहाँ खाली बिल्डिंगें दिखती हैं। वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ पे नेचर है। वहाँ नेचर। नहीं समझे? ब्रेकेट्स दिखाना वो आइटनरी। उसमें अभी आइटनरी मैंने कल रात को बैठ के बना रहा था, तो मैं यहाँ भी चले जाते, यहाँ भी चले जाते, यहाँ भी चले जाते, यहाँ भी चले जाते हैं। मैंने 10 कंट्रीज लिख दी 20 दिन में, दो दो दिन में। एक एक दिन भी ऐसे तो हाथ थोड़ी लगाना। हाथ लगाओ और आ जाओ। हाथ लगाओ और आ जाओ। चलो ठीक है, फिर ऊपर वाली जगह करेंगे, बहुत सुंदर है, नॉर्दर्न लाइट्स भी दिख जाएंगे। मैंने भी ऐसे प्लान बनाया था कि हम कोपेनहेगन में रुकेंगे, वहाँ से फिर फिनलैंड जाएंगे, फिनलैंड से ऊपर से स्वीडन, स्वीडन से नॉर्वे, नॉर्वे से फ्लाइट पकड़ के नीचे म्यूनिक, फिर नीचे का सारा एरिया कवर कर लेंगे। दो मदा बताओ कहाँ कहाँ पहना चाहिए। अभी राइडर गर्ल ने मुझे क्लिप्स भेजी थी, मेरे को तो पता ही नहीं था ये सब डाला हुआ है। आपको याद नहीं ना जब पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैं राइडर गर्ल के साथ गया था, और भी उसने ना क्लिप्स भेजी हैं, मैं हंस के पागल हो गया था। ये क्या कर हमारे पे गाड़ी आ गई है। अब हमको मिला खाने के लिए। हम तो भावनाओं में ही गिर गए थे, मैं लिटरली गिर गया था खाते खाते। अभी होने वाली है मेरे और अन्य के बीच में कंपटीशन, क्योंकि हम करने वाले हैं एडिटिंग। एडिटिंग ऑब्वियसली तू बोला ना एडिटिंग करने वाले करके। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, आई टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि काम फर्स्ट। आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं। एज ऑलवेज दिस इज रेडिकल विशाखा साइनिंग ऑफ विद अरुणा। दिस टाइम प्लीज शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। We are very close to 800K. Till then, keep coming. Give talk. More party. Keep till then. मैं बोलूँगी till then keep coming. Give talk देखो वो मैं ठीक है. Game of town. Give talk. Keep coming. Give talk. More party. What's your
Shut up, no! So the good news here is... Please. So the good news here is, मैं हूँ आपकी आमची मुंबई टिमटिमाती हुई ताजगी के साथ लाती। मम्मी को भी लग रहा है पागल हो जाऊँगा मैं घर में बैठ के बात ही। अरे आसाम जाता ना पहले उसने तो ब्लॉगिंग सिखाई थी मैं कहाँ से बोलता था मैं उसके ब्लॉग में टैप वैप करता रहता था। Good day was. क्या? पहले मैं दो दुबई होता था मैं तो याद है मैं नंगा ही घूमता था तभी पतले होते हैं जब आप शीशे के आगे हाँ पहले मैं शीशे के आगे घूमता रहता था क्योंकि फिर दिखता रहता ना कि आप मोटे हो तो आप एफर्ट करोगे कि पतले हो जाएं अगर आप छुपा के रखोगे फिर कहाँ से होगा। गुड डेट वाज पॉजिटिव थिंकिंग देखना मेरा आधार कार्ड की फोटो डॉले हो गया क्या बोला फिर से बोला मैंने कहा जब तू आता था या शीशा लगा होता था बस ऐसे खड़ा होके तो गाइस मैंने भी स्टोरी लगाई फाइनली कि भाई वीडियोग्राफर चाहिए तो भी एक तन मैंने एक को फ़ोन किया वो कहता 40,000 तो मैं कहा कैमरा भी साथ में दे रहे क्या वो मम्मी कहती 40 मैं कहा मेरे रेट सुनेगा कोई वो भी तो ये बोलेगा कि भाई ये इतना क्या कर रहे हो टैलेंट की होती है बट मैं इसमें से ये दिमाग लगा रहा था ना कि अगर जैसे दो शूट हैं अब इतने पैसे दे रहे हैं अगर कुछ और भी काम हो तो आप एक किसी बंदे को हायर कर सकते हो या हायर में फुल टाइम छोड़ो आप किसी को बुला के उसको 3 महीने सिखा सकता हूँ कि भाई तू ये ले ऐसे गिम्बल चलाते हैं ऐसे कैमरा करते हैं अब तूने मेरे साथ ही चलना है तो वो ज्यादा सस्ता है ना उसको स्किल भी आ गई उसको पैसे भी मिल रहे हैं वो सीख भी रहा है सीख के भाग भी तो सकता है ना वही होता है ना सीख के भाग धोखेबाजी मेरे साथ इतनी होती है ना मैं अब लोगों से मेरा मुझे मिलते सारे धोखेबाज है विश्वास उड़ जाता है लोगों से तो उससे बेटर है कि मैं 10-15,000 रुपए दूं एक को बुलाऊं भाई काम करो और जाओ करो ना अरे मम्मी कह रही थी अर्पित आता है ऐसे आता है करना नमस्ते आंटी हेलो आंटी चलो हमें वीडियोग्राफर तो मिल गया 2 मिनट में मिल गया था मैंने स्टोरी डाली और 2 मिनट में जैसे ही पहला बंदा दिखा उसको मिल गया उसके बाद ईमेल आ जानी 100 ईमेल आ गई अब मैंने अच्छा काम ये किया जितनी ईमेल आई हैं सबको सेव कर लिया कि आगे मेरे को वापस ना डालनी पड़े इन्हीं को फोन करके पूछ लूंगा एक्सक्यूज मी हेलो अवेलेबल नॉट अवेलेबल बुबुम सही से छू ना घुटने घुटने तक क्या छू रहे हो सही से छू आके बंद कर ये देता ऐसे करता है पूरी क्या ये तो पंचर है पक्का भाई पंचर तो पीछे वाला दिख रहा था ये क्यों पंचर दिख रहा आगे पीछे कर रहा है अरे बट ये लाल क्यों हो रही है 300 पे क्या पता भाई सेंसर खराब है भाई वो यही कह रहा है यार अपने सेंसर चेक कराओ 2 बार तो हवा पड़वाने आ चुके हो फ्री में डाल लो तो यार मेरा सेंसर खराब है यानी पंचर दिखाई जा रहा है 300 देखना 300 समथिंग पे पंचर दिखा रहा है साले 35 मतलब वैसे डलती है 34 या 35 34 डलती है कितनी डलती है हमें 40 डलती है 35 डलती है 40 डलवा दी कि भाई ये कम ना हो इसको एक्सक्यूज मी एनीवेज अभी कोई एक वीडियोग्राफर को लेके जा रहे हैं अब हमें ये लग रहा है हम गॉसिप कैसे करेंगे नया बंदा आता है ना तो हमें काफी फिल्टर करनी पड़ती है उसकी गॉसिप ले लेंगे एनीवेज अब मैं गाइस कंटेंट हूं आराम से खुश हूं अब हम आगे बढ़ती करना जिंदगी करेंगे तू क्या हंस रहा भाई फिर से ज्यादा खुश है भाई मैं तो सुन रहा हूं ना अब मैं कंटेंट हूं अब मैं खुश हूं अब मैं है तो अब मैं देख पहले दिन भी तू ही था जब हम तो जब हुआ था ये कांड हुआ था जब तब ये और मैं ही आए थे ये गाड़ी चला रहा था मैं रो रहा नहीं पहले मैं गाड़ी चला रहा था रोज रोते रोते आज मैं कैसे तू चला अब एक्सक्यूज मी एनीवेज अभी मम्मी पापा को लेके जा रहे हैं यूरोप सबको ले गया ना मैं तू लगा ले देख जैसे अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो हमारे मस्ती के सबने लाभ उठा लिया है सिवाय मम्मी पापा ने दोस्तों ने उठा लिए इन्होंने उठा लिए एक्सपेंसी ने उठा ली सबने उठा लिया अब बच्चे माँ बाप ही थे इनको भी जरूरी है इनको पता नहीं बताया था जैसे जो कोलैबोरेशन आती रहती है एक होती है पैसों वाली एक होती है बार्टर वाली बार्टर वाली मैं तभी लेता हूँ अगर मेरा कोई मतलब होता है नहीं तो मैं नहीं लेता तो अगर कोई पैसे देता है तो भाई लक्ष्मी को कौन मना करेगा
लक्ष्मी को मना क्यों करेंगे हम? वो कुछ कुछ होते हैं जो बहुत ही वो होते हैं, वो मना करने पड़ते हैं। अभी आया पर वो वैसे यूट्यूब पे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी यूट्यूब जॉकी का कुछ आया था, कह रहे यूट्यूब पे करोगे? मैं हाँ ठीक है जॉकी तो मैं खुद ही कच्चे बनूंगा। मैं कहा एक महीना दे दे बॉडी बनाने के, अब तो फिर जॉकी खेल के फिर करूंगा, जॉकी फिर करूंगा, मैं सब कर लूंगा। तो वो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। यस पैसे वैसे ले लेते हैं जो बाटर होती है जब हमारी, जैसे अगर हम गए कहीं पे, अब हम यूरोप जा रहे हैं, अब अगर कोई वहाँ पे दे भी रहा है, कोई रहने को भी दे रहा है, हाँ। भाई बहुत पैसे बचते हैं। मैंने भी अभी कैलकुलेट किया, न्यूजीलैंड स्पॉन्सर्ड था पहले 7 दिन तक, हाँ। उसके बाद मैंने पैसे खर्चे हैं, हाँ। अब मैंने क्या मतलब हमने पैसे खर्चे हैं, हाँ। तो वो पैसे भी मैंने अभी कैलकुलेट किए, भाई 5 लाख रुपए ऐसे पड़ गए। इसकी माँ का 296 पक्का भाई पंचर है यार, ये अंकुर हग्गा है। इसको मैंने बोला था भाई गाड़ी ठीक चेक करा लियो एक बार, सब सही है नहीं है। एनीवेज हम जो वीडियोग्राफर है वो सेक्टर 16 आ रहा है। गाड़ी वाले तूने बताया था ना दुबई से गाड़ी ला सकता है 6 महीने के लिए, हाँ, हाँ, तो मैंने पूरी सर्च कर ली। एक यूट्यूबर था वो भी लेके आया हुआ है, तो ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आई थिंक 3-4 लाख रुपए लगेंगे। 3 लाख रुपए नहीं, फ्रेट वाले का पूछना है, जो लाइसेंस और वो लेना है वो तो मैंने पता कर लिया। 45,000 dirhams डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और वो जो फ्रेट रेट है वो तो एमी ज्यादा महंगा नहीं था, वो 20-30 हजार में हो जाएगा। फिर इधर आके रोड टैक्स देना है उस पर 6 महीने का 30-35 हजार रुपए। बस अब शिपिंग वाले का देखना वो कितने पैसे लेंगे, क्योंकि मोटा उसी का है। शिपिंग वाले तो बहुत सारी वो है, तो कोई पैसे लेंगे ना वो भाई, फ्री में थोड़ी ला रहे हैं। 2-3 लाख तो ले लेगा ना। 1,25,000 रुपए समथिंग था, 1,25,000 रुपए। पहाड़ों में लेके जानी है कमैरो, कहाँ खुद आएगा तू? रैप्टर यहाँ पे चांदनी चौक में कमैरो, ये क्लबिंग लेके जाएगा, लोटीबाजी करेगा? नहीं भाई मैं नहीं करता। अच्छा अभी लड़की देख रहा था स्कूटी पे। अभी देख रहा था, मैंने देखा ऐसे इसकी नजरें गई। तो गाइस वीडियोग्राफर आ चुका है अभी, इसने अच्छा बोला। मैंने कहा, मैंने ये बोला था कि मैंने स्टोरी डाली तो इतने लोगों के मैसेज आ रहे थे, ये कैसे मिला? ये इससे मेरी पहले बात हो रखी थी, तो ये बात बता रहा था 2018 में। हाँ, जब हम मतलब फोटोग्राफी करते थे तो मैं भी फोटोग्राफर था, अन्य भाई भी थे, तो इस टाइम पे मस्त मस्त लैंडस्केप डालते थे, ठीक है। तो अब उस टाइम पे बात बात होती थी, क्योंकि तब कम्युनिटी बहुत छोटी हुआ करती थी, अब रील की वजह से कम्युनिटी बहुत बड़ी हो गई है। तो उस टाइम पे मैंने पूछा था अन्य भाई को, कब आए हो दिल्ली, मतलब इंडिया कब आए हो शूट वूट कब किया? कैसा लग रहा है? दुबई का बंदा है, इंडिया का है ही नहीं। तो फिर आज मैसेज पढ़ रहा हूँ यार, ये तो मतलब अजीब ही हो गया। फिर मेरे को खुद ही हंसी आ रहा था। फिर अन्ना भाई कहते हाँ वंडरफुल एक्सपीरियंस इंडिया, ऐसे ऐसे करके मतलब 3-4 मैसेज थे। तो जब अभी तुम्हारा तुमने ऐसे तुमने सोचा NRI? नहीं नहीं भाई, अब तो कब से जानता हूँ ना मैं, तुमसे फॉलो करता, इतने म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हमारे। तो फिर उस टाइम पे लगता था मेरे को यार अन्ना भाई दुबई वही के शेख है बंदे अपने। Anyways, guys, देखते हैं आज कितनी देर में। ये कहता मैंने आपके किससे तो सुने कि आप 12 घंटे में मनाली पहुंच जाते हो, बट मेरे को यकीन नहीं है। आज 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 चेक करेंगे कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अभी बच चुके हैं कितने, 5:30 हो गए हैं। अभी खाना वाना देख पहले रख लिया, मैं तेरे को बता दे पीछे पड़ा हुआ है। गाड़ी सिर्फ पेट्रोल पंप पे रुकती है और मुतने के लिए नहीं रुकती, बात हैली पड़ी है उसमें करना। दिक्कत खोल के उसमें पीछे तो वो भी नहीं खुलती। तो मतलब बहुत ही खराब हो गया। अभी हम ऐसे नोएडा में तो काउंट क्या होगा, दिल्ली से काउंट करेंगे 5:40 पे काउंट करेंगे ना ईबी पे। अरे 6 बजे निकले, 6 बजे मान के चलो, 6 बजे। हाँ 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, मतलब 12 बजे तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, इतनी देर में अभी तो 12 घंटे कह रहा है, अब तो 6 घंटे कह रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? कौन सी नशी करके आया भाई? मुझे भी करने वाला ड्राइवर बनना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ी बोला, बोल ले को भाई। मैं इसने क्या बोला? इसने बोला पायलट का मतलब। पायलट किसको बोल रहा था? अभी जतिन का फोन आया, रास्ते में डिनर कर लेना, मैं कुछ हेल्दी खिलाएगा, टाइम वेस्ट होगा। कह रहा टाइम वेस्ट कैसे, मेरे से मिलना टाइम वेस्ट होता है? तो कहता है पायलट का फोन था। मैंने कहा पायलट क्या होता है? जो पापा के पैसे उड़ाते, पापा की नन्नी परी। मैंने नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला, किसने बोला? किसने बोला? मैंने तो सुना दो ना कि भाई मैंने बोला, भाई मैंने। तो गाइस हम पहुंचने वाले, अबे अंबाला नहीं पहुंचने वाले, अंबाला पहुंचने वाले थे, उसका फोन आया था जतिन का कि डिनर करने घर आ जाओ। मेहंदी ने यही भेजा होगा कि उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इस कैटेगरी का ये विनर था,
कैश भेज दो, बोलो कैश भेज दे, कैश 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 रो कर चल जाते हैं। ये पूछ रहा था कि कैसे होता है, जैसे एग्जिबिट जो था वो मुझे सही लगा था क्योंकि जब उसमें वोट दे रहे थे तो उसमें परसेंटेज आ रही थी कि कौन जीत रहा है, तो मैं ऐसे थर्ड या फोर्थ में था जब ये अनाउंस हुआ, मैंने देखा नहीं, मैंने स्टार्टिंग वोटिंग चल स्टार्टिंग हाँ, तो वहाँ दिख रहा था कौन ऊपर है कौन नीचे है, और मेरे साथ था मुंबई का निखिल, मैं कहा भाई उसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो मैं पहले मैंने हार मान ली थी भाई कोई पॉइंट ही नहीं है कि मैं जीत सकता हूँ, फिर मैंने कहा चल ठीक है यार, बट आया सब लोग शेयर कर रहे हैं मैं भी शेयर कर लेता हूँ, मुझे क्या पता था जीत जाऊंगा, मैंने शेयर किया, ब्रेक इट्स आर्मी की पावर इतनी ज्यादा है ये, फिर उसके बाद से मुझे विश्वास हो गया कि भाई ऐसे हार ही नहीं सकते क्योंकि लोग इतना प्यार है, मुझे पता है कि बारिश होनी है वोट्स की, फिर वो क्या हुआ मैं थर्ड या पता नहीं कितने में था, उन्होंने वोटे 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 दिए 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 सब डाल रहे कि भाई उन्होंने भैया आगे होंगे, वो देते 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 लास्ट में ऐसा हो गया था कि एक पॉइंट आ गया था कि उसकी परसेंटेज और मेरी परसेंटेज एकदम बराबर थी, पर वो ऊपर था मैं नीचे था, और उसके बाद उन्होंने परसेंटेज हटा दी लास्ट दो दिन के लिए, तो इनकी और फट गई, इन्होंने कहा ओ शिट अभी तो नीचे थे चलो और दमा दम वोट देते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने क्या फेक अकाउंट बनाए, चाची मामी ताए सब सब सबसे वोटें दिलवाई, और फिर मेरे को लोग स्क्रीनशॉट भेजते कि देखो भैया मैंने इनसे भी करवाया इनसे भी करवाया इनसे भी करवाया, क्योंकि मैं सबसे बात करता हूँ तो मेरे को दिखता है कौन कौन क्या कर रहा है, अगर मैं देखा था कौन कौन है वोट करो भाई को बहुत ज़्यादा जितना हो सके, वो कर चुके हैं तो मेरे को पूरा भरोसा है कि सब लोग कर रहे होंगे, बट हाँ तुम लोग ये मत सोचना कि दूसरे लोगों ने कर दिए होंगे तो हम ना करें, तुम भी करो करो और स्क्रीनशॉट भेजो सबसे करवाओ, हाँ स्टोरी पे लगाओ ना, फिर मैं सबकी सब रीशेयर करता रहूँगा दो मत बट ये लास्ट टाइम मुझे लगा था कि मैं मतलब लगा क्या मुझे पता है कि भाई मैं ही था, अब वो उसको दूसरी को टाई करा दिया उन्होंने, तो वो पक्का मैंने उस टाइम भी ब्लॉग पे बोला था, मैं इतना गुस्से में था क्योंकि मैं जब अवार्ड अनाउंस हुआ पहले उसका नाम लिया अच्छा, और सब लोगों को पता था कि मैं जीत रहा हूँ, तो मेरी शक्ल बन गई, मैं जिंगी वहां से कर दिया हंस रही वहां पे, ये पक्का कुछ चल रहा है, तो फिर उसने बोला कि नहीं नहीं दो है, फिर वो वापस गई बंदी उसने कहा फिर मेरा नाम लिया तो टाई कराया, फिर मेरे को समझ आया कि ये सारा पीआर का गेम होता है, वो तो होता है मार्केटिंग के चक्कर, अब तो समझ जैसे स्कूल कॉलेज में वास्ता जो होता है ना, अब कोई होगा जो उसका नोन होगा या वो उसकी चचे की भाभी के लड़के के ताऊ का सास का जेठानी होगी या जो भी होगा, उनको बार 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 जिताएंगे ही, समझ रहे हैं, अब वो पहले जीती थी वो जीता था, फूड में देख ले जिंदगी क्यों नहीं जीतती भाई, जिंदगी मतलब हम हमें इतना पता है कि हमारी इतनी वो है कि अगर एक्चुअली मैं वोटिंग पे हो तो अगर मैं बोलूँ करण सहगल बोले जितने भी हम सारे दोस्त मिल के बोले कि जिंदगी को वोट दो तो वो जिंदगी को वोट देंगे, वो जीतेगी जीतेगी, वो जीत ही नहीं सकता, उसी का नाम भी थोड़ा रहता है मतलब ना कम्युनिटी में उसी का ही नाम है, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि वो ही जीतता है हमेशा। अभी मैं ट्रैवल एजेंट में गया था, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भी दोस्त है, मेरा दोनों दोस्त है, बट मैं कह रहा हूँ कि वो फेवरेट वो होता ही है कि इनको जिताना ही है, या तो ऐसे हुआ कि मैं उनके लिए ज्यादा वो टैग टूक करके डाल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ कि उनको लग रहा है कि वो शिट हमें इससे फायदा है तो हमें इसको जिताना चाहिए, वो हो जाता है। गुड डे टू अस, गॉसिप टाइम इज ओवर, अभी हम कितने बज रहे हैं, 8:54 हो चुके हैं, 42 मिनट हो चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं, अम्बाले क्रॉस कर लिए, ये अम्बाला ही है ना, कुरुक्षेत्र है, नहीं अम्बाला वाला तो अभी बोर्ड भी नहीं आया, अच्छा सॉरी 8 थोड़ी बजे साले, अभी तो कुछ भी, अभी तो 1.5 घंटे में अम्बाला पहुँच गए। सो गाइस स्टोरी टाइम आ चुकी है, बहुत दिनों बाद देखो अभी स्टोरी याद आई, बोहेमिया के साथ हमने गाना गाया हुआ भाई, बोड्डे ने मतलब एक होता था सिलेक्ट सिटी में पीछे एक होता था आई थिंक वन ओक कैफे, वो एकदम से दिल्ली में ना कैरियोके का क्रेज चढ़ा था उस टाइम पे, अभी नहीं 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब हम शायद कॉलेज में होते 10 साल पुरानी तो होगी, 10-12 साल पुरानी बात होगी, 2011-12 की बात होगी, तो भाई बोहेमिया तब आया वहाँ पे आया हुआ था, छोटा सा कैफे था, बोहेमिया भाई ऊपर चढ़ के गा रहा है, फिर वो नीचे दे रहा है काली दिनाली कड्डी दे शीशे काले, हम भी गा रहे हैं भाई, कभी मेरे को भाई दे कभी उसको भाई, सब गा रहे हैं, तो मुझे याद है कि हम बोहेमिया के साथ हमने गाने गाए हुए हैं, बढ़िया अरेंज होती थी वहाँ, हम कैरियोके करते थे, फिर मेरे को कैरियोके की स्टोरी याद आई कि कैसे हम कैरियोके गाते थे, दारू पी के फिर हम कैरियोके गाते थे, स्क्रीन में लगा होता था उसको बस गाओ, और आता होता कुछ होता नहीं था, नहीं मैंने बहुत मुश्किल गाना, मतलब ऐसे नहीं होता ना कि तुम इजी गाना चूज करके कैरियर के गाओगे, मैंने चूज किया था इतना मुश्किल गाना कि मतलब जो मतलब फिर लोग चिल्ला रहे थे एंड तक कि भाई क्या मतलब पागल है, गाने का नाम पता क्या था उसे, Many minutes later. So guys, गाना पता लग गया था कौन सा था, उसका था Look at me now, bitch. Look at me now था, जाके सुनना, Busta Rhymes, fastest rapper था, वो लगाना मैंने पहली बार चूज किया कैरियोकी में,
उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक पुराना गाना सुना, फिर हम पुराने गाने सुनने लग गए, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओ शिट, बचपन में तो कभी लिरिक्स सुने ही नहीं है। अभी गाना बजा लोड लिया, मुझे कह रहे हैं तो आप लोड भी नहीं हो, टेंशन मत लो। और मैंने मैंने लिरिक्स सुने भी नहीं थे, अभी तुमने बोला तो मैं लिरिक्स सुनने लगा। मैं ओ शिट, मैं तो मारुति चला रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ 12 साल पहले गाड़ी में चला रहा हूँ और लोडली गाना चल रहा है। कौन का, इससे पहले भी एक गाना चला था, कौन सा था इसके पहले, कौन सा गाना चला था, कुछ तो चला था, लिल वेन का था कुछ। ओह हाँ, मिरर्स। हम पहुंच चुके हैं बर्गर किंग, मेरी एनर्जी धीरे धीरे वापस आ रही है, ये भी खुश हो गए। अच्छी बात है भाई, बांध तो लो भाई। अबे कौन सा मेरे घर पे घर पे क्या हो रहे थे? अरे ये क्या हुआ, ये इसमें क्या होता है ट्रैकिंग वालों में, यहाँ से ये वाला जूता इधर फंसा और फिर मैं से घाड़ गिरने वाला भाई। मेरे थोड़ी है बर्गर की। ये वॉशरूम ये ले, ये ले कर ले। अभी सबसे बड़ी भसूड़ी ये हुई है कि यूरोप जा रहे हैं, मम्मी ने बोला तेरे पास लाइसेंस तो है नहीं, चलाएगा क्या। मैं भी सोचने लगा हाँ यार, तू हमेशा सबके साथ गया तो तेरे पर लाइसेंस होता है, हमारी बारी है तो तेरे पर लाइसेंस नहीं है। तो मैं अपना दिल्ली वाला लाइसेंस करा रहा हूँ जुगाड़। एनीवेज गाइस, हम सुन रहे थे बीईबी किसी है राते, ओ भाई भाई तो सही है। एनीवेज तुम्हें कोई और स्टोरी याद आ गई, तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ बढ़िया। तुम्हें स्टोरी पर स्टोरी मिल रही है, तुझे भी नहीं पता होगी। तुझे पता है हम चाइनी ओजा के साथ भाई फुटबॉल खेलते थे? नहीं ना, तो मैं बताता हूँ। शाइनी ओजा बॉम्बे में रहता था, बट जब नोएडा में रहता था उसके पेरेंट्स का घर मेरे दोस्त के घर के ऊपर था। मैं नाम नहीं ले रहा, पिछली बार इस दोस्त के बारे में कुछ बोलते थे, इसकी मम्मी का मैसेज आ गया था, भाई आर यू टेलिंग अबाउट माई सन। अरे आंटी अब ये हुआ है तो हुआ है ना, झूठ थोड़ी है, दोनों फेल हुए थे। एनीवेज मेरा दोस्त है, उसके घर के ऊपर शाइनी ओजा रहता था, तो मैं इसके घर जाता था, तो हम फुटबॉल खेलते थे सामने वाले पार्क में, तो शाइनी ओजा भी आता था, तब हम बच्चे ही होते थे तो ये भी आता था। जब गैंगस्टर भाई बहुत पुरानी पिक्चर है, उसके बाद होती है, तो हम एकदम हॉस्टल होते हैं जो हमारे साथ खेल रहे हैं, और मैं उसका बच्चा इतना क्यूट, पूरा जो परिवार था ना वो इंडियन लगता ही नहीं था, वो सारे गोरे लगते थे। बढ़िया एक्टर था वो, बढ़िया एक्टर है वो, था बना दिया। उसके बाद तो मैंने देखी भी नहीं है भाई, ये मैंने मम्मी के साथ गया था, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड मम्मी और मैं गया था गैंगस्टर देखने, और बढ़िया पिक्चर थी, मतलब मैं भी इसको 10 बार देख सकता हूँ, इतनी मस्त पिक्चर थी। चलो हम गैंगस्टर के गाने एंजॉय करते हैं। हम पहुंच चुके हैं हाफ वे, या हाँ या अली, 11 बज चुके हैं, आई थिंक हम 3 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक ट्रैफिक है नहीं, और वैसे ही रास्ता मस्त हो गया, स्मूथ एंड स्टेरिंग। बर्गर्स हमने पैक करा लिए, चकना हमारे पास आ रहा है, मैं ज़्यादा खा नहीं रहा हूँ। ओके बबंग गुड डे यू गाइस, ये बताओ मैं वेडिंग फिल्म मेकिंग, अभी इतने लोग सीवी आ गए कि मैं अगर टीम बना के वेडिंग वाली भी शूट करने लग जाऊँ ना, इतने पैसे हैं मेरे को याद है। तुम लोगों को ये भी स्टोरी नहीं बताई होगी, तेरे को पता है जब मैं पहली बार दुबई गया था, जब मैं जॉब हंट कर रहा था, तब मैं क्या कर रहा था, मैं वेडिंग की फिल्म वो वीडियोस एडिट कर रहा था। मेरा पहला वो मिला था 3,000 दिरहम, उसने बोला, मैं कहा 3,000 दिरहम, वाह 60,000 रुपए, चल ठीक है। मैं ठीक है, मैं ले लेता हूँ, मैं वो एडिट करने लग गया, मतलब ऐसी एडिट करता था, मैं एडिट करते करते रो रहा होता था। मैं फिर धोखेबाजी हो गई, वो वेडिंग भी चली नहीं, डिवोर्स हो गया एडिटर के चक्कर में। नहीं बे, जब तो मैंने उसको वीडियो दी कि ये मतलब डिवोर्स हो रहा है, तू ही रख। कोई नहीं, तभी बढ़ती का नाम जिंदगी होता है। आजकल मुझे कपल देखकर बड़ी बड़ी गुंदस आती है, फिर जब मैंने फिर वो याद लोग याद आते हैं जो कहते हैं कि भैया ऐसी रीले में डाला करो, हमें बड़ी गुंदस होती है, अब मुझे उनका दुख दर्द फील हो रहा है। हाँ तो ये था, तो मैं उस टाइम पे वो एडिट करता था, कुछ शादी करा तो बताओ मैं कैसे बैठे हैं। आओ गोदी में बैठो भाई, जा तो घुस गया बीच में, दो मदा हो गया था। चलो एनीवेज किसी को कुछ नहीं हुआ, फिर दोनों ड्राइवर पीछे बैठ गए, ऐसे ऐसे सर पकड़ रहे थे कि ओ शिट ये क्या हो गया, पर इतना उनको दुख नहीं था जिनका, उतना उनको लगा कि भाई मालिक क्या करेगा। हम पहुंच चुके हैं मनाली, क्या हो गया देख ले टाइम, देख ले 12 घंटे 12 घंटे 9 घंटे, और अभी आज तो हम मतलब इतने पप्पी देके आए हैं, ये चला रहा था 80 पे एवरेज निकालता हुआ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, अगर तुम सही टाइम पे निकलोगे तो फिर कुछ नहीं होता, तो टाइम पे निकलो सही टाइम पे, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से बढ़िया
आज ऐसे हम पता नहीं कौन से रोमांटिक गाने सुनते आ रहे हैं। मस्त एकदम भाई। गले में दर्द हो रहा है भाई। मैं तो ये सोच रहा था मैं तो चल ठीक है अभी बीच में रॉकस्टार के बारे में बता मैं ठीक है भाई मेरा दोस्त आया था तू क्यों चिल्ला रहा है एकदम कह रहा मैं दुख बांट रहा हूँ एकदम तू ले ले सारा एकदम एकदम से कोई एक लाइन आई पीछे से तेरी तेज चिल्लाने के बाद मेरा ये क्या हो गया ये कौन आ गया। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। बहुत टाइम से हमने एंडिंग नहीं की है। इस बार मैं हैबिट बनाता हूँ वापस हम सारी बढ़िया एंडिंग जाएंगे क्योंकि मैं राइडर गर्ल ने आज जब भेजा तो मैं वही ब्लॉग देख रहा था पुराने वाले उसमें मैं हर में एंडिंग करता था क्योंकि वो राइडर गर्ल साथ में होती थी तो वो एंड करती थी तो मैं भी एंड करता था। और आज ब्लूपर तेरे को भी ब्लूपर दिखाता हूँ। आज आपने एंड कराया तो आज मैं भी एंड करूँगा। तू अपने आप को एंड कर रहा है यहाँ पे शीशा खोल के एंड कर अभी ना जैसे पहाड़ आया था ना अभी यहाँ ठंड हुई एकदम से बढ़िया वाली मैं शीशे नीचे कर दिए ठंडली थी ये तो तुम यहाँ आते क्यों फिर हवा खाओ बढ़िया एकदम शीशे ऊपर करे जा रहा है। हाँ ये देख फ्रीजर कितनी जगह ऊपर था देख ऐसा लग रहा है फ्रीजर में आ गए। चलो गाइस गुड नाइट हम पहुंच चुके हैं घर अब बस सोएंगे बढ़िया। सुबह से उठ के शूट करना है दो शूट करने हैं अभी लोकेशन डिसाइड भी नहीं किए दस काम होते हैं समझ नहीं आते। चलो बब्बा कल मिलते हैं गुड नाइट यू।